alaikum all the students students this is your English lecture and in this lecture we will do our question answer and word sentences as you know students in previous lecture in previous week we completed our translation into Urdu paragraph number one four and five and in today's lecture we will write down our question answer and word sentences students these are your translation paragraph I hope all of you have,

फर्स्ट लेटर ऑफ द हैडिंग विल भी कैपिटल लिटरिंग मीन्स टू थ्रो ट्रैश केयरलेसली एवरीवेयर अराउंड एस लिटरिंग का मतलब है कूड़े का ये मतलब है कि कूड़े को फैलाना हर जगह केयरलेसली लापरवाही से हर जगह फैलाना जो है वो उसको लिटरिंग कहते हैं क्वेश्चन नंबर टू इज़ वट एक्सक्यूजिज डू पीपल गिव अबाउट लिटरिंग पब्लिक प्लेस यानी अवामी जगहों पर कूड़ा फैलाने में लोग जो हैं वो किस तरह के एक्सक्यूज़ेस जो हैं किस तरह के बातें जो हैं वो पेश करते हैं हेडिंग विल बी पीपल्स एक्सक्यूज अबाउट लिटरिंग फर्स्ट मेन द मेन लेटर ऑफ द हैडिंग स्टूडेंट्स एज यू कैन सी आई हैव मैं बुलेट आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन आंसर इन बुलेट फॉर्म यूसो बुलेट ओके इट्स आंसर विल बी डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एक्सक्यूज अबाउट लिटरिंग मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके मुख्तलिफ मुख्तफ़ किस्म के एक्सक्यूज होते हैं पेश करते हैं कूड़ा फैलाने के बारे में सम पीपल थिंक कुछ लोग सोचते हैं दैट इट इज़ ओनली द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्वीपर्स टू कीप द एरिया क्लीन कि ये सिर्फ स्वीपर्स की खाक रूप यानी जो झाड़ू देने वाले होते हैं सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो इस ए, एरिया को साफ रखें सम पीपल थिंक कुछ लोग सोचते हैं दैट दे स्टे हेयर फॉर अ शॉर्ट टाइम कि वो जहाँ पर सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही ठहरे हैं थर्ड बुलेट है आपका सम पीपल आर टू लेजी टू वॉक अप टू आर क्रैश कैंड टू डिपॉजिट रबिश मतलब कुछ लोग इतने सुस्त होते हैं कि वो रबिश को फेंकने के लिए कूड़ादान के पास जाना जाने से बहुत ज़्यादा सुस्ती का मज़ाहरा करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ वट डिजीज कैन स्प्रेड ड्यू टू लिटरिंग कूड़ा फैलने की वजह से कौन सी बीमारियां जो हैं वो फैल सकती हैं स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस इट विल बी हेडिंग इसका आंसर है डिजीजेस लाइक मलेरिया टाइफाइड डेंगू फीवर एंड कोल्ड्रा कैन स्प्रेड ड्यू टू लिटरिंग मतलब कूड़ा फैलने की वजह से ये जो बीमारियाँ हैं वो फैल सकती हैं मलेरिया फैल सकता है टाइफाइड का बुखार यानी वो फैल सकता है डेंगी फीवर एंड हैज़ा और हैजा जो है वो फैल सकता है क्वेश्चन नंबर है हाउ डू आवर गुड एंड बैड हैबिट्स अफेक्ट आवर एनवायरमेंट यानी हमारी अच्छी आते और बुरी आती हैं वो हमारे माहौल पर किस तरह असरअंदाज होती हैं गुड एंड बैड हैबिट्स इसके हेडिंग के जो मेन वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर जो हैं वो आई हैव रिटन इन कैपिटल आवर गुड हैबिट्स मेक आवर एनवायरमेंट क्लीन हमारी अच्छी आदतों की वजह से हमारा माहौल साफ रहता है वे रेज जबकि अवर बैड हैबिट्स हमारी बुरी आते हैं पोलूट द एनवायरमेंट हमारे माहौल को पलूट कर देती हैं गंदा कर देती हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इज हाउ डज़ ट्रैश अफेक्ट आवर हेल्थ एंड एनवायरमेंट कि ट्रैश यानी कूड़ा जो है वो हमारी सेहत और माहौल को किस तरह असरअंदाज करता है क्रैश अफेक्ट क्रैश गिवस आउट पॉइजनस गैसेज एंड बैड स्मेल विच आर एक्सट्रीमली हार्मुल फॉर आवर हेल्थ एंड एनवायरमेंट कूड़ा जो है उससे जहरीली कैसे और गंदी बदबू वो खारिज होती है जो कि हमारे माहौल माहौल और सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं क्वेश्चन वन एंड फाइव आर कम्प्लीटेड नाउ वी विल कम टू वर्ड्स द क्वेश्चन नंबर थ्री विच आर वर्ड्स सेंटेंसेस क्वेश्चन नंबर थ्री वर्ड्स सेंटेंसेस स्टूडेंट्स एज यू कैन सी दैट यू विल

द रोटन फ्रूट्स स्प्रेड बैड स्मेल इन द किचन नंबर थ्री है सिगरेट बर्ड्स मतलब सिगरेट के जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं उनको कहते हैं सिगरेट बर्ड्स आर केयरलेसली थ्रोन इन आवर स्ट्रीट्स नंबर फोर गिल्टी गिल्टी मीन शर्मिंदा होना आई फील गिल्टी माई सेल्फ फॉर हिज इंजरी मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने की सूरत में किसी को ज़ख्मी करने की सूरत में मुझे खुद शर्मिंदगी हुई है नंबर फाइव कंसिक्वेंसिस मतलब नतज ऑल ऑफ आवर एक्शंस मस्ट हैव कंसिक्वेंसिस इसका यह मतलब है कि हम जो काम भी करते हैं उसके कुछ ना कुछ नदायत जो हैं वो ज़रूर होते हैं ओके स्टूडेंट्स ऑल दिज आर वर्ड सेंटेंस वन टू फाइव इट डजेंट मीन दैट यू हैव टू राइट दिज सेंटेंसिस यू कैन आल्सो मेक योर ओन सेंटेंसिस यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स इन टू योर ओन सेंटेंसिस ओके स्टूडेंट्स दिस इज़ योर कम्प्लीट वर्क ऑफ टूडे स्टेबलेस्ड अल्लाह हाफिज़